आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। इस पाठ में स्वस्थ शरीर से स्वस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। कल हमने आधा पाठ पढ़ा था और उसके शब्द अर्थ भी किए थे। हमने पढ़ा था कि दादाजी जो कि चौक में मुड्डे पर बैठे हुए थे, बच्चों को पुकार रहे थे, लेकिन तीनों बच्चे तोशी, बिट्टू और हनी मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। तभी सुषमा उनके बीच जाकर कहती है कि अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के पास बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तभी वहाँ पे उनके किराएदार के जो दो बच्चे रहते हैं खुशी और अन्नु, वो भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन खुशी और अन्नु के हाथ पैर है जो कि गंदे रहते हैं। तो दादाजी अपने चश्मे से उनको देखते हैं घूर के। तभी वो दोनों बच्चे समझ जाते हैं और वापस जाकर अपने हाथ पांव धो कर के आप बैठते हैं। तभी दादाजी उनको शाबाशी देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो तो उसके लिए साफ और स्वच्छ और वातावरण भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। तो साफ सफाई के बारे में दादाजी जो कि उन बच्चों को समझाते हैं। तभी बिट्टू बोलता है, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है। अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे। बिट्टू बोला, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासी आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग दौड़ करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र जो कि बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसीलिए हम रोजाना नहाएं, हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए, मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ करके उतारना चाहिए, और हाँ सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए, हफ्ते में दो बार नाखून काटें, सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो दादाजी बच्चों को समझा रहे हैं कि सोच के बाद में हमें साबुन लगा करके हाथ धोने चाहिए तथा हफ्ते में दो बार नाखून काटने चाहिए तथा अपने शरीर पर मेल की परत नहीं जमने देनी चाहिए, अगर मेल की परत जम जाती है तो कपड़े से रगड़ करके उनको साफ करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो कि दादाजी उन बच्चों को समझा रहे हैं। तभी बच्चे बोलते हैं, जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, गंदे कपड़े में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आगे दादाजी ने बच्चों को समझाया कि हमेशा हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि अगर गंदे कपड़े होते हैं तो उनसे कीटाणु होते हैं और कीटाणुओं से जो कि बीमारियां फैलती है। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है, सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है, सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। आगे दादाजी ने बच्चों को समझाया कि हमें नालियों की सफाई भी करनी चाहिए, नालियों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि नालियों में अगर कीचड़ जमा हो जाता है तो वहाँ पर कीटाणु फैलते हैं और कीटाणुओं से कई प्रकार की बीमारियां होती है। दादाजी ने ये भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती है, धूप से हमें हमेशा विटामिन डी मिलती है जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए, पानी को छानकर पीना चाहिए, पानी ऐसे कुएं का हो जिससे कि रोजाना सफाई होती हो। दादाजी ने बच्चों को समझाया कि हमें पानी हमेशा शुद्ध पीना चाहिए और पानी को छान करके पीना चाहिए।
तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दो, सुषमा ने आवाज़ दी। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी तो शुद्ध और ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ बिन बिन आती है कभी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का भी उपयोग हमें हमेशा धोकर कर करने में ही समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डिवॉर्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य जो कि तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते हैं। आगे दादाजी ने बच्चों को समझाया कि हमें हमेशा भोजन शुद्ध और पौष्टिक भोजन करना चाहिए तथा हमें भोजन है जो कि खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और फल और सब्जियां हमेशा हमें धो करके काम में लेनी चाहिए, और कुछ जो फलों को हम पहले से काट करके रख देते हैं तो उन पे मक्खियां बैठती है और वो कीटाणु छोड़ जाती है, तो हमें हमेशा अपने फलों को ढक करके रखना चाहिए। फलों को पहले काट कर नहीं रखना चाहिए, जब हम खाए तभी फलों को काटना चाहिए। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत करना चाहिए। आगे दादाजी ने बताया कि हमें हमेशा क्या करना है, एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वह हो जिनसे शारीरिक व्यायाम हो। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हमें भले चंगे हो सकते हैं। तो दादाजी ने कुछ गेमों के नाम बताए जैसे कि खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी। ये गेम है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और इस तरह के गेम हमें खेलने चाहिए। तभी दादाजी ने टहलते टहलते आ गई सॉरी तभी दादी जी भी वहां पर टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करे और न ही चिंता करे, धीरज और प्रसन्नता दिखाए। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो दादी जी ने भी यही सीख दी कि हमें हमेशा जो कि स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, हंसो और हंस जाओ और सब अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अब इस पाठ में आए कुछ प्रश्नोत्तर मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। पहला है, खुश रहना किस बात की निशानी है? उत्तर हम लिखेंगे, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमें शुद्ध और ताज़ा भोजन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो हमने पढ़ा था तीनों बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे, मोबाइल पर। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। तो ये इस तरह हमारा ये पाठ है जो कि आज यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे।